नमस्कार, प्रदेश के नंबर वन चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही आरोप और प्रत्यारोप की सियासत जोर पकड़ती जा रही है और आलम यह है कि प्रदेश की सियासत साधने के लिए राष्ट्रीय मुद्दों को भी अब बख्शा नहीं जा रहा है। इस बार हरियाणा की सियासी फिजा से मोदी सरकार की वन नेशन वन इलेक्शन की योजना के पीछे छिपी मंशा पर सवाल उठा है। इनेलो का आरोप है कि वन नेशन वन इलेक्शन पीछे है और बीजेपी बड़ा इसमें गड़बड़झाला कर रही है। तो दिल्ली में चल रही इनेलो की युवा विंग की बैठक के दौरान अभय चौटाला ने केंद्र में सत्ताधारी मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान चौटाला का गुस्सा इस बात पर भी फूटा कि दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक में इनेलो को बुलाया नहीं गया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में लगातार बढ़ रही सियासी सरगर्मियों के बीच इनेलो के महासचिव अभय चौटाला ने केंद्र में सत्ताधारी मोदी सरकार पर निशाना साधा है। अभय चौटाला ने केंद्र सरकार की वन नेशन वन इलेक्शन की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इनेलो बीजेपी की इस मुहिम का समर्थन करती है लेकिन उसकी मंशा ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी से लागू कराना चाहती है तो उसे हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ कराने चाहिए थे। हमारे यहाँ तो सबसे बड़ी दिक्कत एक और है, जो गंगा नदी के अंदर केमिकल वाटर आता है सारा का सारा पंजाब का, जो सरकार उसको रोकने की बजाय उसको प्रोत्साहन दे रही, जाने दो इसको, जबकि उसको रोकना चाहिए। उससे इतनी बीमारियां फैली है, सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट आज हरियाणा प्रदेश में सरसा जिला में हैं। अभय चौटाला ने बीजेपी पर हल्ला बोलते हुए कहा कि बीजेपी केवल लोगों के बीच भ्रम फैलाती है। अभय चौटाला आक्रोशित नजर आए कि बीजेपी ने इनेलो को वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित सर्वदलीय बैठक में नहीं बुलाया। तो अच्छी है लेकिन मान के चलो मंशा ठीक नहीं है। अगर मंशा सही होती, सोच के मुताबिक आगे बढ़ते तो ये बात चलते हुए हमारे देश में जब से बीजेपी की पिछली सरकार बनी थी तब से आ रही थी। और अगर नियत ये होती कि भी हमने एक देश और एक राष्ट्र के हिसाब से चुनाव कराने चाहिए तो फिर अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ, तीन ऐसी स्टेट थी जिनके चुनाव चार महीने बाद होने, जिसमें महाराष्ट्र है, हमारा हरियाणा है, उसके साथ झारखंड है, तो इनके फिर क्यों नहीं लोकसभा के साथ करें? कम से कम इन लोगों को तो दोबारा चुनाव में नहीं जाना पड़ता, दोबारा से सरकार को फिर उस तरह की तैयारियां नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उसी सारे स्टाफ के साथ इस इलेक्शन को भी किया जा सकता। जब दूसरे इलेक्शन इसके साथ किए कुछ तो इनको और ऐड कर देते तो कम से कम ये मान के चलो 8 से 10 स्टेट जो है लोकसभा के साथ आ जाते, और उसके अलावा और जो ऐसी स्टेटें थी जिनका एक एक साल का कार्यकाल बचा हुआ था या जिनका कोई 8 महीने का कार्यकाल बचा हुआ है उनको भी साथ जोड़ा जा सकता था। ये केवल लोगों में एक भ्रम पैदा करने की बात है कि हम तो इस सोच के लोग भी हैं कि देश के लोगों को बारी बारी चुनाव में ना जाना पड़े, उनको फिर विधानसभा का दरवाजा देखने को नहीं मिलेगा। हम इस 100 दिन के अंदर पार्टी के कार्यकर्ता इस उत्साह के साथ आगे लेकर के बढ़ेंगे कि आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव के नतीजे 100% चुकाने वाले। सर्वदलीय बैठक में नलों की नजरअंदाजी तो एक मुद्दा है ही, लेकिन इसके बिना पर अभय चौटाला के 3 प्रदेशों के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ न कराने के फैसले पर उठाए गए सवालों को दरकिनार नहीं किया जा सकता। इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए दिल्ली से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। तो सुन रहे थे आप अभय चौटाला को, और वाकई में जो बात अभय चौटाला ने उठाई है अब उस पर चर्चा होनी भी बहुत आवश्यक है। तो आज बड़ी बहस की शुरुआत यहीं से करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका परिचय आपसे करवा देता हूं। हमारे साथ अनिल मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनिल मिश्रा जी बहुत स्वागत है आपका। रमन मलिक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। रमन मलिक जी आपका भी बहुत स्वागत है। दलबीर धनखड़ जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं जननायक जनता पार्टी के। दलबीर धनखड़ जी आपका भी बहुत स्वागत। और डॉक्टर सतबीर सैनी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनेलो के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर सतबीर सैनी जी आपका भी बहुत स्वागत है।
डॉक्टर सतबीर सैनी जी, आज आपसे ही शुरुआत करेंगे क्योंकि अभय चौटाला ने जिन बातों का जिक्र किया और खासतौर से जो नाराजगी थी वो साफ तौर पर दिख रही थी कि सर्वदलीय बैठक हो रही है वन नेशन वन इलेक्शन में, लेकिन इनेलो को नहीं बुलाया गया। दरअसल आपत्तियां क्या हैं, थोड़ा आप भी विस्तार से समझा दें, उसके बाद मैं रमन मलिक जी से इसका जवाब लूंगा। देखिए आयुष जी, जो ये बैठक बुलाई गई, एक तो इसमें कई पार्टियों ने ये भी उठाया कि बहुत छोटे नोटिस पे बुलाई, चलो वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन जब भी मीटिंग बुलाई है तो कम से कम जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टियां, स्टेट रिकॉग्नाइज्ड या नेशनल रिकॉग्नाइज्ड, उन सभी को बुलाना चाहिए था। इस क्राइटेरिया नहीं समझ में आया किस वजह से हमारी जो क्षेत्रीय पार्टी थी उसको इग्नोर किया गया, तो ये समझ से बाहर है। अपने आप में ये है कि जो सार्थक बहस होनी चाहिए थी वो नहीं हुई होगी, क्योंकि सभी पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनका भी विचार मंथन, उनका भी सुझाव, क्योंकि संघीय ढांचे में बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो कि नहीं लिया गया। अगर अगर हमारी पार्टी भी होती तो अपने विचार रखती, अब इससे ज़्यादा इसमें कहने की क्या बात मेरे को। और बाकी उन्होंने जो कहा है कि अगर भाजपा सीरियस होती इस मुद्दे पे, ये ऐसी डिबेट इस लोकसभा के चुनाव से कुछ महीने पहले भी उठी थी और काफी मंथन हुआ था, उस टाइम भी हमारी पार्टी ने कहा था एक बार कुछ पार्टी जो जिनके 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव है लोकसभा के साथ ही होने चाहिए, लेकिन उस टाइम कोई तत्परता नहीं दिखाई गई। तो इससे ये लगता है कि कोई ना कोई भ्रम फैलाने की स्थितियां हैं, सीरियसनेस नहीं है जो होनी चाहिए। और सार्थक बहस को आगे ले जाने में अगर दिलचस्पी होती तो हमारी पार्टी को भी इसमें न्योता दिया होता, बुलाया गया होता टाइम पे। रमन मलिक जी, और जिस प्रकार से कोई दूसरी पार्टियों ने भी कहा है कि मौका ही नहीं दिया गया मंथन चिंतन करने के लिए क्या मुद्दे हैं। ठीक है सतबीर जी, आपकी बात का जवाब ले लेते हैं। ठीक है सतबीर जी, आपकी बात का जवाब लेते हैं ना। रमन मलिक जी हैं हमारे साथ। रमन मलिक जी, मैं चाहूंगा कि आप जवाब दें। देखिए, जहां तक मेरे को ज्ञान है विषय का, ये उन सभी पार्टियों के जिनके लोकसभा के अंदर मेंबर पार्लियामेंट हैं उनको बुलाया गया था और उनसे बात करने की बात करी। ये पहली बैठक है इस विषय के ऊपर, निरंतर इसके ऊपर एक विचार विमर्श होना है। विचार विमर्श होने के साथ साथ इनमें जितने स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेट्स के पार्टीज हैं, उन सबसे भी विचार करा जाएगा, क्योंकि आपको ये याद होना चाहिए कि जो टैक्स रिफॉर्म जिस तरीके से आए, जब जीएसटी की बात शुरू हुई और जीएसटी आया उसमें 17-18 साल लग गए थे, लेकिन सबका विचार लेके, और प्रधानमंत्री जी ने उसका क्रेडिट नहीं लिया। प्रधानमंत्री जी ने बोला ये कलेक्टिव इंटेलिजेंसिया जो है पार्लियामेंट का, ये उसका एक उसका आभार है कि जीएसटी आया। उसी तरीके से कोई भी इस प्रकार की चीज़, जब हम ये बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, तो ये स्पष्ट है कि जो इतने मूलभूत परिवर्तन की बात हो, जो संविधान के अंदर भी परिवर्तन चाहिए होगा, बाकी काम भी चाहिए होंगे, तो जब उस प्रकार का व्यापक चीज़ है तो उसको एक बारी बैठ के सबकी आपत्तियाँ क्या हैं, सुझाव क्या हैं। ये जरूरी नहीं कि हमारे पास जो सुझाव हो वही सर्वोत्तम हो। हो सकता है कोई छोटी से छोटी क्षेत्रीय दल की पार्टी कोई ऐसा सुझाव दे दे कि जो बहुत अच्छा होगा, तो वो जो एक संयुक्त कमेटी होगी उसको जरूर विचाराधीन रखना चाहिए। तो इस प्रकार का ये एक व्यापक डिस्कशन के बिना नहीं हो सकता। जहां तक दूसरी बात अभय जी ने बोली, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आज एक तरफ तो लोग बोलते हैं कि इसमें संवैधानिक परिवर्तन और ये वगैरह सारे चाहिए, आप बोलते हैं हम अपने 3 जान सरकारें हैं वो छोड़ दें या बाहर वाली ने। साहब, एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के अनुरूप चलने। जिस टाइम कानून सर्व बन जाए और वो सबके लिए बातें हो, हम भी उसमें रहेंगे। हम ये चाहते हैं कि इकट्ठा हो, लेकिन ये सिर्फ कहना कि एक शगुफा छोड़ देना, बिल्लू भाई साहब को ये ध्यान रखना चाहिए, ये घर की वो चौपाल नहीं है मंजी डाल के, जहाँ बैठ के आप आपस में दोस्त यारों में इधर चुटकुला छोड़ दिया उधर चुटकुला छोड़ दिया, ये बात है एक बड़े विषय की और उसको उतनी ही सीरियसली लेना चाहिए। कहीं ये ना हो कि आज जिस तरीके से हंसी ठट्टा हो रहा है कि 24 मिनट के राष्ट्रपति के भाषण को भी एक व्यक्ति आराम से बैठ के सुन नहीं सका, जो कि अपने आप को ये प्रदर्शित करता है कि विपक्ष में उससे बड़ा चेहरा कोई नहीं है। तो सीरियसनेस जो है इशू की, उसको समझना चाहिए।
ठीक है, एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ दलबीर धनखड़ जी। देखिए ये बात अलग है कि आप इनेलो से ही टूट के अलग बने, लेकिन फिर भी अभय चौटाला जिस बात का जिक्र कर रहे हैं या जो उन्होंने सवाल उठाया है कि आप इत्तेफाक रखते हैं उनकी बात से। आयुष जी, सबसे पहले तो जो लोगों ने जनादेश दिया है उनका सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 10 की 10 सीटें हरियाणा में जीते, हम उन पर कोई लाछन नहीं लगाना चाहते। जहां तक मशीनों की बात थी, हमारी पार्टी के मुखिया जो आज दुष्यंत चौटाला जी, उन्होंने साफ शब्दों में कहा वीवीपैट का मिलान हमारा बड़े अच्छे से होया था, तो हम उस पर भी कोई आरोप नहीं लगाते। हम चाहते टेक्नोलॉजी नई पार्टी हमारी, पढ़े लिखों की पार्टी है, युवा सोच की पार्टी है, टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा है हम बड़ा सम्मान करेंगे उसका। अब तीसरी बात बाकी, एक देश एक संविधान एक कानून एक चुनाव, सब मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी पार्टी कभी भी इस बात का विरोध नहीं करेगी। एक साथ चुनाव होंगे, देश पे बोझ कम पड़ेगा, खर्चा कम होगा। परंतु मैं तो अभय सिंह चौटाला जी पे हैरान हूं, वो बोलते तो कई बार अच्छे हैं पर अमल कभी नहीं किया उन्होंने। वो व्यक्ति वही व्यक्ति हैं जिनको मैं जानता हूं, जिन्होंने सबसे पहले ये आरोप लगाया था क्षेत्रीय दलों के बहुत बड़ा घाटा होने जा रहा है अगर एक साथ चुनाव हो गए तो। चुनाव से पहले की मैं बहुत पुरानी बातें बता रहा हूं, जब एक बार चर्चा चली थी, पूरे देशव्यापी चर्चा चली थी, तब वो ये कहते थे इसमें क्या होगा, एक लहर बनती है राष्ट्रीय दलों के साथ, फिर लहर के साथ छोटी वोट भी साथ चली जाती है तो क्षेत्रीय दलों का बहुत भारी नुकसान होता। ये उनकी स्टेटमेंट है, मेरा अच्छी तरह याद है। परंतु जननायक जनता पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल से अलग हो गई है, बिल्कुल हम इस बात का सम्मान करेंगे। जहां तक बुलाने की बात है, मैं फिर कहता हूं रमन भाई की बातों को मैं 100% सही कहता हूं, करेक्ट कहता हूं, टेक्निकली यही बात है। अगर एक भी सांसद जननायक जनता पार्टी का होता या इंडियन नेशनल लोकदल का होता तो न्योता जरूर मिलता, टेक्निकली ये गलत नहीं है। जहां तक आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, अभय जी ने रजिस्टर्ड पार्टी बोला था, रिकॉग्नाइज उनके प्रवक्ता बोल रहे हैं, मैं उनकी तारीफ करूंगा, उन्होंने सही शब्द का यूज किया। रिकॉग्नाइज का मतलब ये नहीं आपको सब जगह बुलाया जाएगा, रिकॉग्नाइज का मतलब है आपका सिंबल फिक्स है, आपकी पार्टी रजिस्टर्ड तो हमारी भी है, जननायक जनता पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी है। रिकॉग्नाइज होना अलग बात है, रजिस्टर्ड होना अलग बात है। ठीक है, अगर सांसद में फिर टेक्निकली कहते हैं तो एक भी सांसद हमारा होता है इनका होता तो हमें ठीक है। दलबीर जी, दलबीर जी, मुझे लगता है कि सतबीर जी के लिए बहुत सवाल है, ठीक है, सतबीर जी के लिए बहुत सवाल है, वो उस चीज का जवाब दे देंगे। ठीक है सर, मैंने समय दिया आपको। अनिल मिश्रा जी, आपके पास आ जाता हूं। देखिए, वन नेशन और वन इलेक्शन को लेकर के इस समय देश के अंदर एक बड़ी व्यापक चर्चा है और इस पर लोगों की अपनी अपनी अलग अलग राय है, क्योंकि बहुत सारे इसके अंदर ऐसे पेंच हैं जिनको आपको सॉल्व करना होगा बैठ करके। लेकिन फिर भी कम से कम अगर हरियाणा के अंदर एक बड़ी क्षेत्रीय पार्टी जो कि एक लंबे समय तक हरियाणा की सत्ता में भी रही, अगर वो ये सवाल उठाती है कि कम से कम उनको इन्वाइट करना चाहिए, अब उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, जो आरोप लगा रहे थे अभय चौटाला उसको आप कैसे देख पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल, आपका प्रश्न जायज है। मैं 2 मिनट में चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता लोग हैं, ये अपने अपने ढंग से अपनी अपनी पार्टी के हित की बातें करेंगे, लेकिन हमारा आपका जो एक पत्रकारिता में जितना अनुभव हुआ 24-25 साल में पढ़ने लिखने और पत्रकारिता दौर में, मैं बहुत साफ शब्दों में कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। देखिए, ये एक आदर्श वाक्य है, एक आइडियोलॉजी के तहत एक आइडियल स्टेटमेंट देना सुनने में बहुत अच्छा लगता है और सब इसका स्वागत कर रहे हैं। पहली इसमें मैं लाइन बोलना चाहूँगा, शायद देश की कोई भी पार्टी इसके विरोध में नहीं है। सभी के अगर आप अलग से स्टेटमेंट लीजिए तो सब कहेंगे हमको इसका विरोध नहीं है, लेकिन उसके बावजूद विरोध कर रहे हैं। तो वो विरोध क्यों कर रहे हैं ये भी मैं बताई दे रहा हूं। और दूसरा, ये जो सिगुफा पिछले 3 दिनों से एक चर्चा का विषय का केंद्र बना कि एक एक राष्ट्र एक नेशन और एक ताजा घटनाक्रम के तहत उछाला गया, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं, ये आज का विषय नहीं है। ये अटल गवर्नमेंट चल तो उसके पहले से रहा था, लेकिन अटल गवर्नमेंट 99 के पहले से काफी तेजी से चर्चा में आया था। अगर आपको याद हो 99 में सुप्रीम कोर्ट के एक जज का स्टेटमेंट भी इस पर आया हुआ था, उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बिल्कुल क्लियर फैक्ट्स बताए थे। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा फैक्ट यह है, इसी मोदी जी की गवर्नमेंट में पिछले 5 साल में इस पर, यह शायद बहुत कम लोगों को जानकारी है, कि इस पर पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी बनी हुई थी, इस पर लॉ एंड जस्टिस कमेटी बनी हुई थी, और सिर्फ बनी नहीं थी, उस पर सारी पार्टियों पर विचार विमर्श हुआ था और 50 से अधिक राजनीतिक पार्टियों ने रिटर्न पार्लियामेंट के पटल पर अपने अपने विचार रखे।
रखे हैं। तो पहला तो ये कंफ्यूजन दूर होना चाहिए कि इलेक्शन के बाद मोदी जी या भाजपा या कोई अगर ये कहता है कि शुरुआत की जा रही है तो चर्चा यहीं से गलत हो जा रही है और इसी का कंफ्यूजन पूरे देश में चाहे राजनीतिक पार्टी हो या जनता के बीच में आ रहा है। तो पहला तो ये क्लियर होना चाहिए और इस पर मैं बड़े साफ शब्दों में बता रहा हूं कि पार्लियामेंट पे इस पर विचार रखे जा चुके हैं। अब बात आती है दूसरी कि अगर इसका विरोध ना होते हुए भी लोग विरोध कर क्यों रहे हैं, तो देखिए दो चीजें, आदर्शवाद के बोलना यह कहना कि हम राम राज्य ला देंगे, एक स्टेटमेंट के लिए मैं बता रहा हूं, लेकिन आदर्शवाद को धरातल पर लाना पटल पर लाना असंभव होता है। उसका कारण बता दूं, अभी अपने यहां एक चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, तो आप यह देखें कि हमारे यहां 17 बार लोकसभा का चुनाव हो चुका है जिसमें 7 बार लोकसभा पूरी नहीं हो पाई, भंग हो गई बीच में। आप यह बताएं कि अगर लोकसभा का चुनाव होता है और आपकी बात मान लेते हैं कि साथ में सारे स्टेट के चुनाव हो जाते हैं और किसी कारण से अगर लोकसभा गिर जाती है बहुमत के बिना, तो क्या यह संभव है कि फिर से पूरे देश में स्टेट के चुनाव कराए जाए या लोकसभा चुनाव के साथ किसी, आज की डेट में देखिए 89 से राजनीति बदल गई, ये जो कहा जा रहा है कि आजादी के बाद 67 तक का 4 चुनाव हमारे इसी पद्धति पे हुए, तो स्थिति समझने वाली है। वो दौर अलग था, 89 के बाद पिछले 25-30 सालों में जो भारत की राजनीति बदली है, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में बोल दूं, मंडल कमंडल और क्षेत्रीय जो मुद्दे हुए उसके कारण जो नई नई हर स्टेट में 2-2, 3-3 राजनीतिक पार्टियां उभरी, तो वो राजनीतिक दौर अब नहीं रहा, तब केवल 3 राजनीतिक पार्टियां थी और जिसमें 2 प्रमुख हुआ करती थी। तो ये स्थिति कहना कि गलत हो जाएगा। एक लाइन में बहुत चीज क्लियर कर दूं, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मैं भी स्वागत करता हूं और हर आदमी चाहता है कि ऐसा हो जाए, लेकिन ये मैं बहुत साफ चेतावनी के साथ कहता हूं, अगर फेडरल लोकतंत्र, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम लोकतंत्र और गणतंत्र को लेकर चलना चाहेंगे तो मेरा यह चैलेंज है कि संभव नहीं है, कहीं ना कहीं गणतंत्र पर या रमन मलिक जी, मुझे लग रहा है कुछ आपको ठीक है, रमन मलिक जी आपको काउंटर करना चाह रहे हैं, ठीक है रमन मलिक जी जल्दी से खत्म करें। मेरा सिर्फ कहना इतना सा है कि फेडरल स्ट्रक्चर का विषय जहां तक आता है और फेडरल स्ट्रक्चर के बाद जो ये वन नेशन वन पोल है, इसमें अगर इतना आसान होता तो शायद 99 में या 2014 से 2019 में ये काम आराम से हो चुका होता, लेकिन ये इसलिए नहीं हुआ साहब क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर को भी हमने सम्मान देना है, संविधान के अंतर्गत संशोधन करने हैं और हम ऐसे संशोधन नहीं करना चाहते जो 42nd अमेंडमेंट की तरह करे गए थे 1975-77 में, हम वैसे अमेंडमेंट्स नहीं करना चाहते, हम वो अमेंडमेंट्स करना चाहते हैं कि अगर उसकी रिक्वायरमेंट है, उससे देश हित होता है तो उसको कर अमेंडमेंट्स करो, लेकिन अगर किसी से एक व्यक्ति, एक पार्टी, एक परिवार का हित होता है तो ऐसा अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं चाहिए। ठीक है, हमारे को ये समझना पड़ेगा कि ये देश की पॉलिटिक्स को ये जो कंफ्यूजन है स्वयं के हित से हटा के राष्ट्र कंफ्यूजन दूर हो सकता है पड़ेगा। एक सेकंड रमन मलिक जी, आप सुन लेते हैं अनिल जी आपकी बात को, आपका कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर करना चाह रहा, उसके बाद में मैं जाऊंगा मलिक साहब बलबीर जी के पास, अच्छी कहीं लेकिन मैं बहुत साफ शब्दों में आज बता दूं, जो इसके पहले मैंने बोला तो क्यों बोला, ये मुद्दा उठ चुका है, ये मुद्दा बिना हमारे संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ किए बिना एक देश से एक चुनाव नहीं किया जा सकता है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई किसी के भी द्वारा, इस सरकार या अगली सरकार या पिछली सरकार, तो मैं आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट की आप सुन ले, अमेंडमेंट तो कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में गलत है, बात सुन ले मेरी, कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना की पहली दो लाइन में लिखा गया कभी नहीं बदला जा सकता और सुप्रीम कोर्ट की 13 जजों की इस बात का फैसला किया है कि लोकसभा और राज्यसभा भी, मतलब सदन भी संविधान की मूल भावना में कोई बदलाव नहीं ला सकता, इसलिए गणतंत्र और लोकतंत्र को साथ लेके चलने के लिए मैं जहां तक समझता हूं मेरा जो सवाल है रमन जी, एक मिनट जरा सुने, वो क्लेरिफाई कर रहे हैं फिर आप सवाल पूछेगा, ठीक है एक सेकंड क्लियर करने दे, मेरा एक सवाल नहीं लगा रहा हूं मैं आप पर या किसी पार्टी पर, मैं उन्हीं के सवाल उनको करना पड़ेगा, मैं बताता हूं क्या सवाल है, अगर प्रीएम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को चेंज करा जा सकता है, अगर संविधान के प्रीएम्बल को चेंज करा जा सकता है, प्रीएम्बल पूरे संविधान की आत्मा है, अगर आप आत्मा को परिवर्तित कर सकते हैं तो आप क्या फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं। ठीक है अनिल जी, अब आप कुछ करना चाहेंगे, मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं
कि संविधान की मूल भावना नहीं बदली जा सकती। एक दो बार इस पर प्रयास हुए हैं संसद के द्वारा ही, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की 13 जजों की पीठ ने यह फैसला दे रखा है, इतिहास में पहली बार हुआ है कि संविधान की मूल भावना को संसद भी नहीं बदल सकती। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल बदल गया है, अगर आप चाहें ठीक है, एक बार थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, बिल्कुल नहीं ठीक है, एक बार थोड़ा सा इससे बाहर निकलते हैं। सतबीर जी आपके पास आ जाता हूँ, देखिए कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी यहाँ पर लोगों ने गिनाए और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, ठीक है ठीक है। इस देश के संविधान का प्रीएम्बल बदला गया या नहीं बदला गया? रमन जी, वन नेशन वन इलेक्शन पे एक स्पेसिफिक भी डिबेट करते हैं हम लोग, ठीक है, उस पर हम लोग इस दिन जरूर चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। आज थोड़ा सा इनेलो के इर्द गिर्द ही रहते हैं। सतबीर जी देखिए, जो आप ये कह रहे थे, आप जो आरोप लगा रहे थे कि साहब आपको बुलाया नहीं गया, उसका जो टेक्निकल एस्पेक्ट है वो रमन जी ने भी यहाँ पे गिनवा दिया, दलबीर धनखड़ जी ने भी उसी बात का जिक्र किया। क्या कम से कम थोड़ा इंतजार नहीं कर लेना चाहिए, और क्यों ना आपका भी इसमें थोड़ा स्वार्थ समझा जाए, और जो बयानों में कॉन्ट्राडिक्शन की बात की है दलबीर धनखड़ जी ने, कि पहले आप चुनावों से पहले कुछ कह रहे थे वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के, और अब आपका जो सुर है वो बदले नजर आ रहे हैं, इसके मायने क्या समझे जाए, थोड़ा समझाएं सतबीर जी। देखिए आयुष जी, एक तो ये पॉइंट है कि बदलाव की जो बात है, ऐसा कोई बयान नहीं था, और हो सकता है किसी कॉन्टेक्स्ट में कोई बात कही गई हो, जब तक वो कॉन्टेक्स्ट ना हो उसका, उस बात को इस तरह से, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है डिबेट का, उसको दोबारा से व्याख्या नहीं की जा सकती। हमारी पार्टी इसके विरोध में नहीं है, हमारी पार्टी ने सिर्फ इतना ही कहा है कि क्षेत्रीय पार्टियों को भी, क्योंकि संघीय ढांचे में विधानसभा का जो, क्योंकि विधानसभा के भी चुनाव होने हैं, तो उसमें क्षेत्रीय पार्टियों का भी भूमिका है, उनके भी विचार ले जाने चाहिए, और हमारा इसमें क्या विरोध है। हमने इतना ही कहा कि इस प्रकार एमपी है या नहीं है, जब रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, क्या आखिरी और हमारा राज्यसभा में भी एक एमपी नहीं है। लेकिन सतबीर जी, सतबीर जी अभय चौटाला के लिए भी कह रहे थे ना कि विधानसभा के चुनाव भी साथ में हो जाने चाहिए, तो उन्होंने बहुत सारे विधानसभाओं का जिक्र कर दिया। रमन जी, मैंने आपकी बात सुनी है, रमन जी मैंने बात सुनी है आपकी, मेरी भी सुनिए, आप मेरी भी सुनिए। ऐसा है, देखिए ये नहीं है आखिरी मीटिंग पहली, इसका मतलब तो आप पहले से ही इस तरह का वातावरण पैदा करना चाहते हैं, अगर क्षेत्र पार्टियां कोई रोल नहीं है, इसका मतलब अगर ऐसा चलना चाहते हैं, चलिए आपको कोई रोक थोड़ा सकता है, आपका पूरा जनमत जनादेश आपके पास, और आपके पास तो तृणमूल को क्यों बुलाया था साहब, जो छोटी पार्टी बीजू जनता दल को क्यों बुलाया, सुनना चाहता या उसके सुझाव नहीं लेना, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को क्यों बुलाया। रही बात दलबीर धनखड़ की, दलबीर धनखड़ ने जो किया ये उनका अपना मत है, ये कुछ भी है, विरोध में कुछ भी कह सकते हैं, इस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि बात ये इस तरह की है कि वेग है ये, क्योंकि वो बात किस कॉन्टेक्स्ट में कही थी, वो बिना कॉन्टेक्स्ट दिए इन्होंने बात कही, उसका आज ठीक है, उसको क्लैरिफाई करवाते हैं ना, दलबीर धनखड़ जी से क्लैरिफाई करवाते हैं, दलबीर धनखड़ जी जवाब दें। सर आयुष जी, सबसे पहले तो मैं अनिल जी की बातों पे 100% सहमत हूं, जो इन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किए, सुनने में बातें बहुत अच्छी लगती हैं, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। अगर मान लिया लोकसभा का चुनाव होने के बाद अगर मिड टर्म चुनाव हो गए तो राज्यसभा राज्य के जो चुनाव उनका क्या होगा, बिल्कुल मैं सहमत हूं। टेक्निकली हम बातें एक एक कर रहे हैं, इसमें यह सवाल तो निकलता ही है, अगर किसी विधानसभा का सरकार गिर गई एक साल दो साल में तो उसका क्या होगा। दलबीर धनखड़ जी देखिए, इस पर ही तो चर्चा होनी है ना, ऐसा थोड़ी ना है कि वो ये कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन को वो लेकर के आ गए और साहब ये कल से लागू हो जाएगा, ऐसा नहीं हो रहा। इन सारी चीजों पे चर्चा होगी और तमाम एक्सपर्ट्स बैठेंगे, ऐसा नहीं है कि हम बना देंगे, उसका भी कोई रास्ता निकलेगा, इसलिए चर्चा हो रही है, तो उस चर्चा में क्या होता है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन दलबीर जी एक सेकंड सुने, लेकिन दलबीर जी एक सेकंड सुने, देखिए दलबीर जी सुने, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, दलबीर जी देखिए सुने, देखिए दलबीर जी मैं फिर कह रहा हूँ, एक दिन हम लोग स्पेसिफिक चर्चा करेंगे कि दरअसल इसमें हो क्या सकता है, आज इनेलो के इर्द गिर्द रहते हैं ना थोड़ा सा। देखिए आप जो बात कह रहे थे कि पहले भी अभय चौटाला इस पर यू टर्न लेते रहे, उनके तरफ से ये कहा गया कि साहब ये सही नहीं है, इस तरीके से चुनाव नहीं होना चाहिए, एक देश एक इलेक्शन सही नहीं है, आज वो इसी बात को कह रहे हैं कि हम तो इसका स्वागत करते हैं लेकिन हमको बुलाया नहीं गया। आप जिस बयान को कोट कर रहे थे उसको सिरे से नकार रहे हैं सतबीर सैनी जी, मैं चाहूंगा आप इसका जवाब दें। देखो सतबीर जी एक सेकंड शांत रहे, थोड़ा सुनते हैं। हाँ दलबीर जी कंप्लीट करें। डॉक्टर सतबीर जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, रमन मलिक से तो उनको बहुत उम्मीद थी, वो चुप रहे, खुद चुप नहीं रह सकते, ये अच्छी बात नहीं है। हम सब प्रवक्ता एक दूसरे का मान सम्मान करें, एक दूसरी पार्टी का मान सम्मान करें, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं आपको बताना चाहूंगा वो संदर्भ नहीं था, साफ शब्दों में, मैं तो इस पार्टी का प्रवक्ता रहा हूं बहुत लंबा, मैं आपको बताना चाहूंगा उन्होंने जो कहा था वो ये कहा था कि
लोकसभा के चुनाव में जो लहर बनती है देश के प्रति, किसी पार्टी के प्रति, वो क्षेत्रीय दलों को नुकसान दे जाएगी अगर इकट्ठा चुनाव होगा। तो मैं तो आपको बात बता रहा हूं साफ शब्दों में, ऐसा उन्होंने बोला था, मैं यही बात कह रहा हूं। आज चुनाव हो गए तो बात ये कह रहे हैं, मेरे को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी बात रखने आया हूं, मैं अपनी बात रख रहा हूं। आपने इनेलो की बात की, चौधरी अभय सिंह की बात की, मैंने वो बात पहले थी वो बता दी, आज वो बात बता दी, नुकसान फायदे बता दिए, हम क्यों नहीं बुलाए, वो मैंने वजह बता दी। और भी आप मेरे से जो पूछ के जाओगे मैं बता के जाऊंगा, बिना बताए नहीं उठूंगा। पता है सर, मुझे पता है दलबीर जी, मैं आपको जानता हूँ, बहुत पहले से जानता हूँ, आपके पास हर प्रश्न का उत्तर होता है। देखिए रमन मल्लिक जी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से जवाब दे रमन मल्लिक जी, फिर अनिल जी के पास मैं आऊंगा। सर मैं इतना सा चीज कहना चाह रहा हूँ, ये जो लॉजिक अभी बताया जा रहा था, जो उसका वर्णन दलबीर जी कर रहे थे कि अभय जी ने इस तरीके से बोला था, कई अलग चैनलों पे भी मैं बात कर रहा था, बहुत सारे एक्सपर्ट इसको उठा रहे थे कि जी एक लहर होती है उसका फर्क पड़ता है, ये होता है वो होता है। मैं तो ये सिर्फ समझना चाहता हूँ कि फिलहाल 2019 के चुनावों की अगर बात करें, कुछ लोग बोलते थे वो लहर 2014 वाली खत्म हो गई, उसका जो परिणाम आया आया, उससे बेहतर आया वो भी आपने देखा, वो लहर से बढ़ गई वो भी देखा, लेकिन इन सारे बड़े हुए समीकरणों के बीच में भी आंध्र प्रदेश का चुनाव जो स्टेट असेंबली का था या ओडिशा का जो चुनाव था, उसमें इस लहर का फर्क विधानसभा के चुनावों में क्यों नहीं पड़ा? क्या इसको हमको नहीं अपने विवेचना करनी चाहिए कि उसके ऊपर भी फर्क पड़ सकता था? बिल्कुल रमन मल्लिक जी, इसीलिए तो हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं ना कि दरअसल ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिन्होंने बहिष्कार किया, ठीक है, इनेलो का मान लेते हैं कि ठीक है टेक्निकली आप लोगों ने उनको नहीं बुलाया, कोई उसके एक पैरामीटर से, लेकिन बहुत सारी ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां जो आपके साथ नहीं आई, इसीलिए हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि दरअसल इस पर आपत्तियां हैं क्यों। मुझे लगता है अनिल मिश्रा जी इसको बेहतर बताएंगे। अनिल मिश्रा जी, सिर्फ इनेलो का ही सवाल नहीं है, बहुत सारी पार्टियां ऐसी है जो उसका बायकॉट कर रही है, इसके पीछे वजह क्या देख रहे हैं? ठीक है रमन मल्लिक जी, एक सेकंड, बिल्कुल आपकी बात सही है और सभी प्रवक्ता बोल रहे हैं, फिर कहूंगा मैं राजनीतिक प्रवक्ता की तरह पार्टी की तरह मैं बहुत क्लियर बताता हूँ। इस प्रश्न का उत्तर सुनिए, मैंने क्यों कहा लोकतंत्र खतरे में पड़ेगा, गणतंत्र खतरे में पड़ेगा। आप अगर इनेलो का उदाहरण लेते हैं तो आज की डेट में इनेलो है, मैं इसी के थोड़ा बगल में आपके बॉर्डर पे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में पिछली बार जब 2014 में चुनाव हुआ था वहां एक पार्टी है बसपा, वो पिछली बार 0 सीट पाई थी और इस बार 10 सीट लेके आई है। तो अगर आप सीटों का आकलन या संसद में प्रवेश की जो संख्या है उसके आधार पर अगर आज ये आकलन किया जाता है और अगर कमेटी में उन्हीं को जगह दी जाती है या मीटिंग में उन्हीं को जगह दी जाती है जिनके संसद सदस्य हैं, तो क्या आप इस चीज का आकलन कर सकते हैं कि एक टाइम पर उस बसपा की 20 से ज्यादा सीटें थी, फिर 0 हो गई और इस बार 10 सीट हो गई, तो क्या बसपा का जब 0 हो गया तो अस्तित्व खत्म हो गया? क्या लोकतंत्र वहां पर खत्म हो जाता है? तो हम ये किस तरह आकलन करेंगे कि कौन सी पार्टी किस जनता के कितने दायरे में आती है, कौन पार्टी किस जनता के बीच में कितनी लोकप्रिय है, इसका पता लगाना कैसे संभव होगा? इसलिए अगर यह कहना कि संसद में जो सदस्य हैं केवल उनको बुला के बात किया जाएगा तो संसद सदस्य केवल 5 साल के लिए होते हैं, अगर खुदा न खास्ता आज एक पार्टी 0 है और कल की डेट में वो 25 सीट लेके आती है तो इसका क्या इतिहास निकलता है? तो इसलिए ये जो लोकतांत्रिक जो आप टेक्निकल एस्पेक्ट की बात कर रहे थे, मुझे लगता है रमन मल्लिक जब आप जवाब दें, आपकी जानकारी के लिए बसपा एक रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी है, आप ईसी में देखें वो रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टी है, वो मुझे मालूम है। तो मैंने जब आप बसपा की बात करते हैं उनके पूरे देश में कितना वोट शेयर है, आपका वोट शेयर भी एक काम होता है, वो नेशनल पार्टी डिक्लेयर करना इलेक्शन कमीशन का काम है। एक टाइम इनेलो पूरे हरियाणा में शासन कर रही थी, एक प्रदेश की सरकार चला रही थी, आप फेडरल की बात कर रहे हैं, क्या आज जनता का समर्थन नहीं है तो क्या वो बहिष्कृत हो जाती है? एक बात से, इस पर्टिकुलर मीटिंग से क्या नेशनल फेडरलिज्म जो है वो चला गया? आप ये सोचते हैं जिस पार्टी ने 14th जो फाइनेंशियल कमीशन है उसको लगा के 42% की हिस्सेदारी प्रदेशों की करी, वो ये नहीं समझेगी कि प्रदेशों के हकूकों का क्या करेंगे? सर एक विचार है, विचार के ऊपर संवाद हो रहा है आपस में, कानून नहीं बन रहा। इस संवाद के बाद विभिन्न कमेटियां बनेंगी, उन कमेटियों के पास विचार आएंगे, विचारों का आदान प्रदान होगा,
बुद्धिजीवियों से बात होगी, पॉलिटिकल पार्टी से बात होगी, उसके बाद कहीं पे कुछ लिखना शुरू होंगे, उसके ऊपर भी बतेरी डिबेट होंगी। ठीक है सतबीर सैनी जी, अभी सतबीर सैनी जी जवाब देना चाहेंगे, अब आप मुझे लगता है कि अब आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर मिले होंगे। सतबीर सैनी जी देखिए देखिए आयुष जी जब रमन जी ये कह ही रहे हैं कोई जरूरत नहीं है, देख लेंगे बाद में कभी बात आएगी, तो फिर मैं क्या बोलूंगा? अगर ये रिकॉग्नाइज्ड पार्टी को अगर जगह नहीं देना चाहते या उसके व्यूज नहीं लेना चाहते वो एक उचित प्लेटफॉर्म पे, और इधर उधर की बातों में हम बात अपना जाया कर रहे हैं, तो उसका क्या मायने? मुद्दा ये था आज की डिबेट का कि रिकॉग्नाइज क्षेत्रीय जो पार्टी है उनको भी प्रॉपर उनको स्पेस देना चाहिए था, उनको बुलाना चाहिए था और उनके व्यूज भी। तो सतबीर जी वही बात तो कह रहे हैं ना रमन मलिक जी, देखिए ये तो पहले फेज की मीटिंग थी, ये तो पहले फेज की मीटिंग थी, उन्होंने कहा कहा कि वो इनेलो को नहीं बुलाएंगे, पहले फेज की मीटिंग थी, अभी तो तमाम मीटिंग होगी, इनेलो को भी बुलाया जाएगा। सतबीर जी अरे आप ये बताइए राज्यसभा के मेंबर को लोकसभा में बिठा देंगे, एमएलसी को विधानसभा में बिठाएंगे क्या किसी और प्रदेश के? हमारे प्रदेश में एमएलसी नहीं होता, उत्तर प्रदेश का एमएलसी आके हमारे प्रदेश में बैठ जाएगा, नहीं बैठेगा, जिसका होगा वहां उससे विचार विमर्श करा जाएगा। देखिए इसमें मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जैसे सर लॉजिक तो आप सुनेंगे नहीं, बुलाई थी तो सर्दली बैठक में सभी पार्टियों को जिनको भी बुलाया था उनको सबको जाना चाहिए था, इसी को लोकतंत्र कहते हैं। अगर उस सर्दली बैठक का कोई भी पार्टी चाहे वो कांग्रेस हो चाहे लोकतंत्र हो किसी न किसी बहाने से अगर विरोध करती है तो निश्चित रूप से वो पार्टियां जो लोकतंत्र की दुहाई देती हैं उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है जब सर्वदलीय बैठक में भाग नहीं लिया, क्योंकि बिल्कुल सच है कि वो बैठक केवल चर्चा परिचर्चा के लिए बुलाई गई थी। अगर आपका विरोध भी है तो वहां जाकर मीटिंग में जाके आपको विरोध करना था, जैसा अगर आपने देखा हो तो लोकतंत्र कल और परसों पूरे डिबेट में टीवी डिबेट में बैठ के श्वेत पत्र मांग रही है या कोई पार्टी और कोई बहाना करे, तो ये मीडिया के माध्यम से या दूसरे के माध्यम से अगर आप संदेश पहुंचा रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है, बिल्कुल सच है, वो कानून बनेगा कि नहीं बनेगा, वो संभव है कि नहीं है, ये बात का विषय है, लेकिन अगर सरकार कोई भी सरकार हो वो किसी मुद्दे पर और इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर मीटिंग बुलाती है, सर्वदलीय बैठक बुलाती है, उसमें भाग लेना ये समझता हूं हर राजनीतिक धनकर जी कर्तव्य बनता है। दलबीर धनकर जी आयुष सर मैं तो आपको बताना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी की एक चाल है मुद्दे से जो एक्चुअल मुद्दे देश में उनसे को भटकाना मुद्दों को भटकाना। अभी अभी चुनाव हुए हैं, आराम से मुद्दे हो सकते हैं, बहुत लंबा समय है। आज मुद्दा जैसे बिहार का चिकित्सा के ऊपर है, इन्होंने एकदम सारी डिबेटें पलट दी और इसी मुद्दे पर लिया है आज इन डिबेटों को। ये एक मामला बनाते हैं, माहौल बनाते हैं, एक डिबेट का माहौल बनाते हैं ताकि इस तरफ से ध्यान उस तरफ बढ़े। मैं उस चीजों को नहीं भूलना चाहूंगा, मैं उन चीजों को। दलबीर जी अगर आप मुझे लग रहा है आप नहीं देख रहे हो तो शायद और भी चैनल हमारे चैनल ही देख लीजिए, हम सुबह से डिबेट करते हैं, इन मुद्दों पे हो रही है, ये एक अलग विषय हो सकता है, ये एक अलग विषय हो सकता है, उस पर भी चर्चा हो रही है, लेकिन साथ में ये भी महत्वपूर्ण है इसलिए इस पर भी चर्चा। अभी इस मुद्दे पे इतनी बात करने की जरूरत नहीं थी। अभी अभी लोकसभा के चुनाव हुए हैं, एक महीना मुश्किल से होया है, इतनी जल्दबाजी किस बात की है? आज काम नहीं करना, आप बीच में बोल सकते हो, काम नहीं कर सकते, आपकी आदत बन चुकी बीच में बोलने की दूसरे के बीच में। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, मैं चाहता हूं मेरे बीच में कोई ना बोले। आपने बड़े अच्छे मुद्दे उठाए 2014-2019 के, मैं तो आज आपसे पूछना चाहता हूं, आप गुड़गांव में रहते हैं, सीनियर मेयर जो का चुनाव हुआ था आपके यहां, उसमें 14 आपके पार्षद थे, 11 वोट आए, आज तक वो 3 वोट आप नहीं ढूंढ पाए, किसने डाली कैसे डाले वो, आज के आज सीनियर डिप्टी मेयर का आपको याद होगा रमन भाई, वो हमारी पार्टी उसको उठा लेगी, हमने वो पद पाया, आपके भारतीय जनता पार्टी हमें वोट दिया, म्युनिसिपल इलेक्शन को लोकसभा से वोट लेने का क्या हो सकता है? आप इधर से डिबेट रमन मलिक जी देखिए इसीलिए हम लोगों ने चर्चा की शुरुआत यहीं से की थी। रमन मलिक जी और दलबीर जी देखिए चर्चा की शुरुआत इसीलिए हम लोगों ने यहीं से की थी, और अगर आपने शुरुआत से सुना हो तो चर्चा की शुरुआत यही हुई थी कि चुनाव है विधानसभा के, लेकिन मुद्दा बन रहा है वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है अब समय में नहीं है मेरे पास, समय नहीं है। दलबीर जी बहुत बढ़िया बोल रहे हैं लेकिन अब समय नहीं मेरे पास। बहुत शुक्रिया दलबीर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, रमन मलिक जी आपका बहुत शुक्रिया, अनिल जी आपका बहुत शुक्रिया, और सतबीर सैनी जी आपका बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए।
ठीक है, चर्चा भी वहीं पे खत्म हो रही जहां से हम लोगों ने शुरुआत की थी कि चुनाव विधानसभा के हैं, लेकिन चर्चा हो रही है वन नेशन वन इलेक्शन की, यानी कि जो देश के जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो अब हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी एक बार फिर से आपको गूंजते हुए नजर आएंगे। लेकिन सवाल यह है कि इन चर्चाओं के बाद और इन मुद्दों के बाद इसका असर क्या कुछ होता है इन चुनावों में, यह देखना होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।